हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहें। तो यहाँ पे सुबह जल्दी 4:30-5 बजे उठ के और काम में लग गए और धीरे धीरे अब कपड़े वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि डायरेक्ट पानी आता है इसीलिए। तो देखिए, जीवन में क्या होता है कि खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। ईश्वर हमारा भाग्य नहीं लिखता क्योंकि वह पसंद नापसंद का कोई भी इंजाम अपने ऊपर नहीं लेता है। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप रोज़ बच्चों को भी सुनाएंगे या बोलेंगे ना, तो उनके दिमाग में अभी बैठेगी बात, क्योंकि अभी छोटे हैं, बड़े होने के बाद कोई बात नहीं बैठती उनके दिमाग में। तो सारी छोटी छोटी बातों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है बच्चों पे, बड़ों पे। और इन बातों को सीखने के दिमाग में रखने से जीवन एक अनमोल होता है और बहुत सुधार आता है जीवन में। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज आप तो यहाँ पे शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाते हैं सुबह बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है आलू के पराठे। तो यहाँ पे सारा मसाला मिक्स कर रही हूँ मैं, और बड़े प्यार से हाथों से मसाला बनाते हैं। कोई भी हाथों से ही काम करते हैं ना, तो स्वाद बढ़ ही जाता है उस रेसिपी में। तो यहाँ पे मैं धनिया और प्याज सारे मसाले अच्छे से मिला लूँगी मसाले में, और उसके बाद मैं जो पराठे पे बन रहे हैं गरम गरम आलू के पराठे। तो देखिए सिख चुके हैं बढ़िया सी आलू का पराठा, हरा धनिया डाल के बनाए हैं बढ़िया सी। और ये देखिए मसाला है, ये बन गए इधर। अचार डाल दी मैं, और इधर जो पराठा ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे एक टिफिन ये हो गया, एक टिफिन ये हो गया, और एक ये है। और नाश्ता करने के बाद गए हम सब्जियाँ और फ्रूट लेने, तो काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट थे। और अभी मौसमी संतरा वगैरह वो भी चल रही है। और यहाँ पे फ्रूट वगैरह ले लिए, और सर्दियों में देखिए कितनी अच्छी सब्जी मिलती है, बिल्कुल बढ़िया ताज़ा। आंवले देखो, गोभी देखो, और टमाटर, मटर, मिर्ची, बहुत अच्छी सब्जियाँ मिलती है सर्दियों में और बहुत ही अच्छी लगती है। हरी सब्जियाँ भी काफ़ी मिलती है। तो यहाँ पे है जो सारी सब्जियाँ ले लिए, बहुत सारी हम, मुझे बहुत अच्छी लगती है सब्जियाँ। और यहाँ पे हमारे पास में ये देखने लायक जगह है, तो ये मेन गेट बना हुआ है, अंदर पार्क वगैरह बना हुआ है इसमें। तो मैं और साहब गए थे सब्जी वगैरह लेने, तो यहाँ पे साहब की जो फेवरेट है दुकान, उनके दोस्त की, तो नाश्ता करने लग गए। मैं कुछ भी नहीं खाई क्योंकि मुझे कम पसंद है थोड़ा ये चीज़ें, घर पे बनाई हुई खा लेती हूँ, बाहर कम खाती हूँ मैं। बेटा पानी लिख के आया आते ही, थैंक यू। पिज्जा बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह सब कट कर लिए हैं। इधर चाय पी रही हूँ मैं, रोटी पिज्जा और एक कढ़ाई पिज्जा जो खाना को बहुत पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई के अंदर पिज्ज़ा बनाए थे, तो नॉर्मल सी बनाए थे कढ़ाई के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी भी था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और काफ़ी सारी ताज़ा सब्जियाँ थी इसमें, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। मैं दोपहर के बर्तन लगा दूंगी जो मैं दिन में साफ करी थी, बच्चों के टिफिन हुए हैं और भी ऐसा सामान होता है दोपहर के लंच वगैरह। और यहाँ पर शाम की चाय बन रही है, तो बढ़िया सी चाय पीएंगे। पहले बच्चों के लिए दूध गर्म, के बाद में जो खाना की खाने बनाने की तैयारी करूँगी।
और यहाँ पे शाम का खाना भी मैं बना के तैयार कर दी, तो बच्चे खाना खाएंगे और मैं भी साथ में खा रही हूँ। तो वो दोपहर को खा रहे थे हम जो भी खा रहे थे, और यहाँ पे भी खाना भी मैं शाम का बना के रेडी कर दी थी, और कम ही इच्छा थी तो इसीलिए। और बाद में जो और यहाँ पे जो बच्चों की इच्छा थी तो ये लेके आए हैं, इस तरीके से सैलेड है और चटनी है। तो बच्चों के लिए ये क्रीमी सी सोया चाप लेके आए हैं, तो बहुत पसंद आती है बच्चों को भी। तो यहाँ पे जो खा रहे हैं साथ में, और लेट लेके आए थे, 9:30 बज गए थे। और ये प्याज के साथ और चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, क्रीमी सा टेस्ट आता है इसमें। यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं साथ में बैठ के। और खाना को ना मेरे हाथ से खाना बहुत पसंद है, तो ये मैं खिलाती हूँ ना, जब एक बार पहले मेरे हाथ से वाइट खा लेता है, और अब दोनों साथ में खा रहे हैं। और यहाँ पे जो सुबह है थोड़ा सा वीडियो ये पूजा का, तो सभी को जय माता दी।